Yes, good morning, student. This is the second poem of class 10, Fire and Ice, written by Robert Frost. The first poem was Dust and Snow, and that was also written by the same poet, Robert Frost. The poem Fire and Ice reveals the feelings, thinkings, ideas of the poet in shadow of public feeling. In this poem, the poet has profound expression about the lasting of the world. इस कविता में कवि ने बड़ा ही भव्य तरीका से और छायावादी रूप से इस बात की व्याख्या किया है, एक्सप्लेनेशन किया है. विश्व के एक सत्य के विषय में, and that is the ending of the world, the lasting of the world. In this world there are two types of people, optimistic and pessimistic, asabadi and nirasabadi. Optimistic think that over the world never एंड, विश्व का कभी नाश नहीं होता है, विश्व कभी समाप्त नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड पेसिमिस्ट थिंक दैट सम डे एंड अदर, वन डे एंड अदर, एक न एक दिन द वर्ल्ड विल मीट इट्स एंड, विश्व समाप्त हो जाएगा. द वर्ल्ड विल लास्ट, विश्व समाप्त हो जाएगा. एंड आई थिंक दैट इज द इमेजिनेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी ऑफ महाप्रलय. महाप्रलय स्टूडेंट्स, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन द यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज फुल ऑफ कंट्रास्ट, विरोधाभास से परिपूर्ण है. प्रोग्रेस, डाउनफॉल, सक्सेस, फेलर, हाई लो, रिच पुअर, इन आउट, लाइक सो, विरोधाभास से संसार परिपूर्ण है. एक चीज और आप जानो, what is the responsible for the end and for the creation, for the creation and destruction both, what is or what are responsible for the destruction and construction of the universe or anything, you may take this. संसार को बर्बाद करने के लिए या आबाद करने के लिए, सृजन के लिए या विनाश के लिए किस चीज की आवश्यकता है, या व्हाट आर रिस्पॉन्सिबल, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, दोनों हो सकता है. यदि एक शब्द में आप देखें कि रिस्पॉन्सिबल एक चीज यदि है, वो है एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, ताकत. एनर्जी मे बी आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. साइंटिफिक टर्म में आप देखो तो व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ, दैट इज फायर और आइस, आइदर हीट और आइदर फायर और वाटर, थर्मल एनर्जी, थर्मो एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो एनर्जी.
विश्व में शक्ति का स्रोत दो ही है, या तो अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंडा। ये दोनों से शक्ति की उत्पत्ति होती है, एनर्जी उत्पन्न होता है। अब ये आवश्यक जानना है कि दिस इज आवर ओन ड्यूटी टू मोटिवेट और टू चैनलाइज द एनर्जी इन द वे ऑफ डिस्ट्रक्शन और इन द वे ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस एनर्जी को कंस्ट्रक्शन में चैनलाइज करें या डिस्ट्रक्शन में चैनलाइज करें, ये हमारी ड्यूटी बनती है। इसमें फायर और आइस की बात कभी कहता है, द पोइट सेज दैट सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू फायर, अदर सेज द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू आइस। या तो फायर से इस वर्ल्ड का एंड होगा या तो आइस से इस वर्ल्ड का एंड होगा। मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड विल बी हैपन ड्यू टू द नेचुरल फोर्स। इफ देयर विल हैपन समथिंग दैट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड मोर एंड मोर एंड मोर एंड दिस विल बर्न द वर्ल्ड द अर्थ वन डे। ऑन द अदर हैंड इन कंट्रास्टिंग इफ द टेम्परेचर ड्यू टू द सम नेचुरल फेनोमेना बिगिन्स टू डिक्रीज एंड इट विल कम लेस देन जीरो, दिस विल ऑल्सो एंड द वर्ल्ड। बट दिस इज बाय द नेचुरल फोर्सेस, दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में ऐसे साइंटिस्ट लोग उम्मीद करते हैं, सोचते हैं कि भविष्य में कभी किसी नेचुरल फेनोमेना के चलते, प्राकृतिक घटना के चलते, नेचुरल रिएक्शंस के चलते वर्ल्ड में एकाएक टेम्परेचर हाई होने लगेगा, हाई होने लगेगा, हाई होने लगेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे संसार को जला करके राख कर देगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी संभावना है कि नेचुरल फेनोमेना के कारण विश्व का, वर्ल्ड का टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर डाउन करने लगेगा, डाउन करने लगेगा, डाउन करने लगेगा और माइनस डिग्री में चला जाएगा, इतना चला जाएगा कि हर कुछ फ्रीज हो जाएगा एंड देयर विल बी नो एनी लाइफ ऑन द वर्ल्ड। बट द पोएट एक्सप्लेन दी टू फैक्टर्स इन अदर वेज। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड If it happens, यदि ऐसा होता है तो the world will be destroyed by two emotional forces of human being. They are desire and they are hatred. इच्छा, इच्छा और घृणा, ये दो चीज ऐसे qualities हैं जो destruction को invite करते हैं, emotional qualities। बट वन थिंग इज वेरी रिमार्केबल दैट बोथ डिजायर एंड हैटर्ड, हैटनेस हैड टू फेजेज, वन फेज इज गुड, अदर फेज इज बैड फॉर बोथ डिजायर एंड हैटर्ड। इफ डिजायर इज इन आवर कंट्रोल, इफ वी कंट्रोल आवर डिजायर and motivate it for creation, this would be creative। यदि अपने desire को हम अपनी विकास के लिए इच्छा करना तो आवश्यक है, लेकिन हमारी desire हमारे control में होनी चाहिए। We must not allow our desires to control us, to motivate us। हम लोगों को अपने desire को से कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि डिजायर को अपने कंट्रोल में लेकर के चलना चाहिए। अभी आप महाभारत का सीरियल देख रहे होंगे, दिस इज द डिजायर एंड हेटर्ड ऑफ दुर्योधन, अनकंट्रोल्ड एंड डिजायर एंड हेटर्ड ऑफ दुर्योधन, व्हाट डिस्ट्रॉय एंड व्हाट कॉज्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड इन फ्यूचर।
महाभारत में दुर्योधन के अनियंत्रित डिजायर के कारण, अनियंत्रित घृणा के कारण ही उस समय भारत का इतना बड़ा विनाश हुआ था कि भारत में महाभारत हुआ था जिसकी क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं हुई है। तो अगर इफ द डिजायर एंड हेटर्ड आर कंट्रोल्ड, वी रेगुलेट, देन दिस विल बी क्रिएटिव। बट इफ वी अलाउ आवर डिजायर्स, आवर हेटर्ड टू रूल अस, टू मोटिवेट आवर लाइफ, टू चैनलाइज आवर लाइफ, टू ड्राइव आवर लाइफ, दिस विल बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। सो दिस विल बी द स्ट्रांग पावर ऑफ इमोशन, स्ट्रांग डिजायर, स्ट्रांग हेटर्ड, अनकंट्रोल्ड डिजायर, अनकंट्रोल्ड हेटर्ड विल बी द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन। दिस इज द ओपिनियन, दिस इज द समरी ऑफ दिस पोएम। सो द पोएट कन्वेज अ मैसेज दैट वी ऑल मस्ट विश, वी ऑल मस्ट डिजायर, वी ऑल मस्ट हेट, बट दिस शुड बी कंस्ट्रक्टिव, दिस शुड बी कंट्रोल्ड, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर हमारी डिजायर, हमारी घृणा, हमारी जिज्ञासा सब कुछ नियंत्रित है तो वो कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। एंड फॉर दिस द वर्ल्ड वुड नेवर एंड, कभी डाई नहीं कर सकता है, संसार कभी समाप्त नहीं हो सकता है। दिस इज अ व्यू ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, दिस इज माई पर्सनल व्यू। स्टूडेंट, वन थिंग इज वेरी रिमार्केबल दैट यू फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम पोएम, ऑफ द सेम लिटरेरी पीस, बट देयर मस्ट बी ओरिजिनलिटी। वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, आई कांट एश्योर यू ऑल दैट आई एम द बेस्ट एंड माई एक्सप्लेनेशन इज द सेम एज अदर पीपल एक्सप्लेन, बट दिस इज माई ओरिजिनल व्यू, दिस इज माई ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू द लाइन बाई लाइन पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड की समाप्ति फायर से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से होगा। वही मैंने कहा कि टेम्परेचर डाउन करने से हो जाएगा, टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा तो काफी फायर हो सकता है, फायरी हो सकता है, और ये टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा तो बिल्कुल आइस हो जा सकता है, बिलो माइनस डिग्री। तो बोथ आर वेरी पेरिकल, बोथ आर डिवास्टिक, बोथ आर डिस्ट्रॉइंग। दोनों स्थितियां एक्सट्रीम होने पर डिस्ट्रॉइंग है। इसी तरह से हमारे डिजायर्स भी यदि अनकंट्रोल्ड होगा, बहुत आगे अनकंट्रोल्ड विदाउट एनी सॉर्ट्स ऑफ कंट्रोल होगा तो हानिकारक होगा। मैंने इनिशियल में एक्सप्लेन किया, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। जब हमने डिजायर के विषय में सोचा कि डिजायर के कारण कैसे, डिजायर के कारण कैसे विश्व नाश का नाश होता है, अपना नाश होता है, अपने इमोशन के कारण, स्ट्रांग फीलिंग ऑफ हेटर डिजायर के कारण कैसे, डिजायर मीन्स ग्रीड, यहां पर डिजायर मीन्स डिजायर का दो फेज मैंने बताया था, गुड फेज यानी कंस्ट्रक्टिव फेज एंड बैड फेज अर्थात डिस्ट्रक्टिव फेज। तो ग्रीड, लस्ट, स्नैचिंग लाइक दिस एंड बी सुपर सुप्रीम पावर। एक और मैं प्रायः ऐसा कहा करता हूं कि यदि नेचर का ऐसी स्थिति रहेगी कि जो आप चाहो हो जाएगा तो विद इन अ मिनट वर्ल्ड का विनाश हो सकता है, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि हाई मस्ट बी सुप्रीम, और इसमें जो काफी स्ट्रगल होगा उस स्ट्रगल में वर्ल्ड का नाश हो जाएगा। इसीलिए ईश्वर ने ऐसा नियम बनाया है, मैन प्रपोजेज बट गॉड डिस्पोजेज। इच्छा तो हम करते हैं, प्रस्ताव तो रखते हैं, लेकिन हमारी प्रस्ताव स्वीकार होगा, एक्सेप्ट करेगी नेचर की नहीं, दैट्स डिपेंड अपॉन द गॉड। ऐसी वो बात आई है तो तब हम देखते हैं कि ये हमारा डिजायर ही